हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए होली स्पेशल मैदा की चकली लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही क्रंची, खस्ता और बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चकली बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 कप मैदा, आधा कप हम यहाँ पर चावल का आटा ले रहे हैं, 1/3 कप हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो बेसन स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने अजवाइन ले ली है। तेल डाल दिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून। इसे देखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया हमने। हींग डाल देंगे इसमें 1/3 टीस्पून। 1 पिंच हमने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे चकली बहुत ही खस्ता बनेंगी। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक डो लगा लेंगे। इसका हमें बहुत ही सॉफ्ट डो लगाना है, जिससे कि हमारी चकली बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रंची बनेंगी। तो ये देखिए, हमारा डो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इतना ही हमें सॉफ्ट डो चाहिए है। हल्का सा ऑयल लगाकर हम इसे चिकना भी कर लेंगे और इसकी चकली बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक सेव मेकर ले लिया है, इसे भी ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। चकली वाला सांचा हमने इसमें से लिया है और इसमें हल्का सा ऑयल लगा देते हैं और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डो डाल देंगे। डो को अच्छा स्टिकी होना चाहिए, जिससे कि सेव बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। अच्छी तरह से हम इसे फिल कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे फिल कर लिया है, तो इसे बना लेते हैं एक झारे में। हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और इसके ऊपर ही हम इसे बना लेंगे, जिससे कि हमारे डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सीधे इसे हम तेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से आप 1-2 झरिया का ले सकते हैं, जो भी झारा होता है हमारे घर में उसमें। तो इस तरह से बना लेंगे इसको और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बन रहा है ये। तो इसी तरह से हम बना लेंगे और ऑयल को भी हमने अच्छी तरह से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। चकली तैयार हो गई है, तो इसे डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम हॉट ऑयल में। अब इसे हम इस तरह से पलट कर और डाल देंगे और इसी तरह से सारी बना लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो गई हैं और इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में ही इन्हें फ्राई करना है, जिससे कि अंदर तक ये अच्छी तरह से क्रंची खस्ता हो जाए। और इसी तरह से हम सारी चकलियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसे किसी भी त्यौहार में बनाकर स्टोर करके महीनों तक खा सकते हैं। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो और भी मैंने बना लिया है इसी तरह से और इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन होने तक मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं एक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने गाँठियाँ बनाए हैं, आप अपने मन अनुसार अच्छी अच्छी डिज़ाइन इन्हें बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर और इन्हें अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और आप इसे 1-2 महीना तक बहुत ही अच्छी तरह से खा सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार हमारी बहुत ही टेस्टी मैदा की चकली। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।